ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने। हम जा रहे हैं महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव में स्थित खेड़ से 50 किलोमीटर दूर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पावन स्वयंभू मंदिर में। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रसिद्ध है। जैसे कि एक ये कथा है कि राजा कमरूपेश्वर भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन दानव ने उनके राज्य में आके उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और उस दानव ने राजा कमरूपेश्वर को भी जान से मारने की कोशिश की। इसी कोशिश में दानव की तलवार भगवान शिव के शिवलिंग पे पड़ी और भगवान स्वयं अपने भक्त को बचाने प्रकट हो गए। आखिर में दानव का वध करने के बाद उनका स्वेद जब धरती पर पड़ा तो वहां से आज की जो भीमा नदी है वो बहने लगी। और क्योंकि ये मंदिर भीमा नदी के पास है, इसे भीमाशंकर नाम से संबोधा जाने लगा। ऐसा भी मानना है कि ये मंदिर कुंभकर्ण के बेटे भीमा ने बनवाया था, इसलिए इसे भीमाशंकर कहा जाता है। दोस्तों, हम पार्किंग तक पहुंच गए हैं। यह बस एवं प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग की जा सकती है। ये बिल्कुल मंदिर के पास है। यह करीब 230 सीढ़ियां है, पर हर कोई आराम से चल सकता है। यहाँ डोली का भी प्रयोजन है ताकि किसी को तकलीफ ना हो। सीढ़ियों को पूरी तरह कवर किया गया है। जैसे ही सीढ़ियां शुरू होती है, दोनों तरफ आपको छोटे छोटे शॉप्स नजर आ जाएंगे, खाने पीने के, प्रसाद के, भगवान की मूर्तियों के और खिलौनों के। मंदिर के मंडप के साइड पे आपको शिव स्तुति स्तोत्र पढ़ने मिल जाएगा। मंदिर बहुत सुंदर नागरा आर्किटेक्चरल पैटर्न से कवर्ड है। भगवान भीमाशंकर के दर्शन करके मंदिर के परिसर में हम शनेश्वर भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। आगे बढ़ के हमें दो नंदी के साथ एक शिवलिंग के दर्शन भी हो जाते हैं। वहीं से थोड़ा आगे हम शंकर भगवान की अखंड धुनी के दर्शन भी कर लेते हैं। इसके पश्चात हम बाहर निकलने के मार्ग पे चले जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही राम मंदिर है और भीमा नदी का उगम स्थान भी है। दोस्तों, तो ये था हमारा भीमाशंकर का सफर। जाते जाते मैं भीमाशंकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता के जाती हूँ। भीमाशंकर हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र मलबार जायंट स्क्विरल इज अ रेयर एनिमल फाउंड हियर। और इसके साथ ही आप हनुमान लेक, मनमोड़ी केव्स, अहुपे वाटरफॉल, नागफनी पीक क्रिक को विजिट दे सकते हैं। डू विजिट दिस ऑस्पिशियस टेम्पल एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शंकर। ओम नमः शिवाय।